आरठ के विधायक रणधीर सिंह जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में आखिर भाजपा किस प्रकार की तैयारी है। ये बताइए सर, लोकसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है, भाजपा के लिए चुनाव जीत के लिए क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव की तैयारी में रहती है। जहाँ तक लोकसभा चुनाव की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, बूथ के संयोजक, शक्ति केंद्र के संयोजक, पार्टी के पदाधिकारी पर पूरा विश्वास होता है। ये लोग सभी काम करते हैं चुनाव में, और सबसे बड़ी बात है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास के कार्यों से जनता उत्साहित है। राम मंदिर के जो निर्माण हुआ उससे जनता उत्साहित है, और कई ऐसे बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए हैं देश के हित में, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में, उससे काफ़ी उत्साह है। और भारी बहुमत से NDA इस बार सत्ता में आने वाली है मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या लगता है कि जिस प्रकार यहाँ पर भाजपा की तैयारी की जा रही है, लेकिन आने वाले दिन में जो है झारखंड में दुमका लोकसभा से हेमंत को खड़ा कर सकते हैं, ये बात सामने आ रही है, तो उसके लिए भाजपा कितनी तैयारी की है ताकि जो उसको हराया जा सके? देखिए विपक्ष में कौन खड़ा होता है हम लोग उसको नहीं देखते हैं। हमारी अपनी पूरी तैयारी है और हम चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ दुमका चुनाव जीतेगी। दुमका नहीं, झारखंड के 14 में 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार 12 लोकसभा सीट हम लोग जीते थे, राजमहल और चाईबासा हम लोग लूज कर गए थे। इस बार राजमहल चाईबासा भी हम लोग जीतने की स्थिति में हैं और 14 में 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। ABP का जो सर्वे है, पिछले बार में भी 12 सीट भारतीय जनता पार्टी NDA की गठबंधन सरकार ने जो हासिल की है, इस बार भी 12 सीट ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस तरह का जो मुद्दा हाल के दिनों में जो उछाला गया है, जिस तरह हेमंत सोरेन को जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे हैं, क्या लगता है कि इस बार क्या इन मुद्दों को क्या जनता के बीच नहीं समझा पाए? जो आपके ABP चैनल के सर्वे लगभग सही होते हैं, बट इस बार का सर्वे आपका फेल होगा। आप लोग पुराने सर्वे के आधार पर 12 सीट हम लोग जीते थे, तो 12 सीट हम लोग को भी जीत दिखा दी है। आप दो सीट जो लूज किए उसको आप लोग लूज दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस बार चाईबासा राजमहल भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। चाईबासा में जो हमारे प्रत्याशी हैं गीता कोड़ा जी, बहुत सशक्त कैंडिडेट हैं। कोल्हान में काफ़ी उनका प्रभाव है, भाजपा का प्रभाव है, दोनों प्रभाव मिलेगा इस बार। और यहाँ भी ताला बाबू जो जिनको कैंडिडेट बनाएगा, ताला मरंडी जी, वो हमेशा बोरियो से कई बार विधायक रहे हैं, और बोरियो हो, लिटीपड़ा हो, महेशपुर हो, चाहे राजमहल विधानसभा हो, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी भारी है आज के डेट में। एक पाकुड़ विधानसभा को छोड़कर सारे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी इस बार, तो हम राजमहल सीट भी इस बार जीतेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि जो कि पड़ोसी राज्य हैं हमारे, बंगाल है और बिहार है, क्या लगता है इन दोनों राज्यों में भाजपा की बढ़त होगी या फिर घटेगी? देखिए बिहार में तो अब नीतीश जी के आ जाने के बाद वहाँ NDA क्लीन स्वीप करने जा रही है। पिछले बार भी हम लोग क्लीन स्वीप किए थे, 40 में 39 सीट जीते थे। अब बिहार में जो इस बार का समीकरण पता चल रहा है कि 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे, और 18 सीट हम लोग जीते थे बंगाल में। बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार ने जो तुष्टिकरण की राजनीति की है, जिस तरह से वहाँ एक लोगों में खौफ था, और आप जो है हम लोग तो अभी बंगाल से पड़ोसी क्षेत्र में हम आते हैं, बॉर्डर पर आते हैं, और जो माहौल अभी हम देख रहे हैं बंगाल में भी, इस बार हम लोग कम से कम 2500 सीट जीतेंगे। 25 लोकसभा सीट बंगाल में भी हम लोग जीतेंगे इस बार, मेरा जो आकलन है। ज़्यादा भी हो सकता है बट कम तो नहीं होगा, कंफर्म है 25 से ऊपर ही कम नहीं होगा। संदेश खाली का लेकर भी नहीं, और भी बहुत मुद्दे हैं। संदेश खाली तो एक बाद में मुद्दा आया है, तुष्टिकरण की राजनीति प्लस जो है विकास, ममता बनर्जी ने केंद्र की सरकार की सारी योजनाओं को रोक दिया है। वहाँ मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं गरीबों के हित, गरीबों के कल्याण के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, वो योजनाओं को उन्होंने ममता बनर्जी ने बंगाल में लागू नहीं होने दिया है, जिस चलते लोगों में एक आक्रोश है, तो उसका भी असर आपको दिखेगा। एक और आखिरी सवाल है कि बिहार में चूंकि अभी भाजपा के मंत्रिपरिषद के गठन को लेकर नाराज चल रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए मंत्रिपरिषद ये जो कोई विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी परिषद कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तय करती है कि कौन मंत्री, किनको मंत्री बनना है, किनको मुख्यमंत्री बनना है, किनको विधायक का टिकट मिलना है, किनको सांसद का टिकट मिलना है। केंद्रीय नेतृत्व का जिम्मेवारी होता है, जो पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व का डिसीजन होता है सभी कार्यकर्ता मानते हैं, इसलिए ऐसा कोई इश्यू नहीं है, कोई नाराजगी इसमें नहीं है, मुझे दिख नहीं रही है।
कुल मिला के लोकसभा में भाजपा रिकॉर्ड तोड़ मत से जीतने वाली है और रिकॉर्ड तोड़ मत जो है सीट भी आने वाली। निश्चित रूप से इस बार जो 370 का लक्ष्य पार्टी ने लिया है, मुझे लगता है वो लक्ष्य से भी हम लोग आगे जाएंगे। वो लक्ष्य कम है, उससे भी हम लोग आगे जाएंगे। तो ये थे सारण विधायक रणधीर कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि अभी भाजपा की बढ़त जिस स्थिति से देखी जा रही है तो निश्चित रूप में आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होगा वह 370 से भी पार सीट से भी ज़्यादा जा सकती है। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।